आज मैं दोपहर का भोजन प्रसादी के लिए गायत्री मंदिर बाबाई गांव में 10 बजे आ गया था। ये इस गायत्री मंदिर के महाराज जी हैं, तो यहाँ पर रुकने का, खाने का और नहाने धोने सब चीज़ का व्यवस्था बहुत अच्छा है। रात रुकने के लिए तो बहुत बढ़िया है। और आज मेरा इस गायत्री मंदिर में एक महात्मा जी हैं जो कि लगातार 40 वर्षों से परिक्रमा कर रहे हैं। आज लीजिए, उनके दर्शन करिए और मैं भी महाराज जी के चरण स्पर्श करना चाहे। महाराज जी, आप थोड़ा अपने बारे में बताएंगे, आप कहाँ से, क्या कुछ अगर जानकारी, संक्षिप्त परिचय, कुछ परिचय अगर देना चाहेंगे तो आप दे दीजिए। तो हम तो राजस्थान के हैं। राजस्थान के हैं महाराज जी, और इधर आ गए मतलब माई के किनारे हैं। माई के किनारे यहाँ 40 वर्षों से परिक्रमा में है, है ना? आपका गुरु स्थान महाराज जी? मेरा गुरु स्थान राजस्थान ही है। राजस्थान गुरु स्थान है। पैदल नंगे पांव परिक्रमा में निरंतर 40 वर्षों से हैं। नंगे पैर नहीं है, चप्पल पहन के कर रहे हैं। अच्छा, चप्पल पहन करके कर रहे हैं जी। और कहीं कहीं गाड़ी भी मिल जाती तो हमको बिठा के ले जाती है, नर्मदा जी का आशीर्वाद है जी। जी जी, 2-4-5 किलोमीटर बिठा लेती गाड़ी, झूठ क्यों बोले जी। जी जी, इतने बड़े सिद्ध हमको नहीं करना है, वो सिद्ध, ये सब लोग सिद्ध हैं। आपका आपका नाम जान सकते हो महाराज जी? मनुदास महात्यागी। मनुदास महात्यागी जी हैं इनका नाम। दास मतलब वैष्णव संप्रदाय के हैं, नर्मदे है। इस मंदिर के यहाँ पर हॉल है और यहाँ पर हमें अभी ये दिया गया है गद्दा। यहाँ पर इस हॉल में ढेर सारे परिक्रमावासियों को रुकने का व्यवस्था, खाने का, नहाने का, कपड़ा धोना है, कुछ भी करना है, सब व्यवस्था है। नल है, पानी है। ये यहाँ का मैं आपको दिखा रहा हूँ, इधर पे ये पानी है, इधर पे टॉयलेट वगैरह है, ये सब। ये साइकिल हमारी जिससे हम यात्रा कर रहे हैं, ठीक है ना? और इसको बढ़िया यहाँ पर चार्जिंग में लगाया है, बहुत अच्छा यहाँ पर सुविधा। ये मेन रोड जो है होशंगाबाद के लिए, उसी के किनारे ये बोर्ड लगा हुआ है, गायत्री साधना स्थल बाबई। और यहाँ पर बहुत अच्छी सेवा, परिक्रमावासी को रुकने का, खाने का, सब कुछ। ये आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पर गायत्री साधना स्थल। और यहाँ पर आँखों की जांच भी निःशुल्क की जाती है, ये आप देख। ये सेवा सदन नेत्र चिकित्सालय, ये गायत्री मंदिर के अंदर ही है। मैं पहले इसको देख करके कंफ्यूज हुआ था कि ये मंदिर नहीं होगा, यहाँ पर सेवा कार्य, आँखों का ये सब चलता होगा, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, यही जगह है। तो फिर यहाँ आकर के मैं तो रुका हूँ।